दोस्तों वीवो ने आज इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है वीवो Y71i के नाम से। और ये वीवो की तरफ से एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। इसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 8,990 रुपीज़ रखी गई है इसका प्राइस इंडिया में वीवो Y71i का। इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा वीवो Y71i के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी वीवो Y71i के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मेरा नाम है इमरान, आप देखो टेक इमरान। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, शुरू कर देते हैं वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं वीवो Y71i के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइज दी गई है 6 इंचज़ की, आपको डिस्प्ले की साइज दी गई है। HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है, जो पिक्सल काउंट दिया गया है 1440x720 पे आपको पिक्सल काउंट दिया गया है। IPS LCD पैनल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 8:9 फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा वीवो Y71i में। ये तो बात रही पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। रियर साइड में आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है, 8 MP शूटर मिलने वाला है F2.0 के एपर्चर के साथ, साथ ही में बैक में LED फ्लैश भी मिल जाएगा। ये तो बात रही रियर कैमरे की। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरे यहाँ पर आपको दिया गया सिर्फ 5 MP शूटर दिया गया F2.2 के एपर्चर के साथ, उसमें से आप अच्छे खासे सेल्फीज ले पाओगे वीवो Y71i से। ये तो बात है इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात। अब बात करते हैं इसके मेमोरी की। यहाँ पर आपको सिंगल वेरिएंट मिलने वाला है, उसमें आपको 2GB की रैम मिलने वाली है और 16GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड से आप एक्सपेंड कर पाओगे 256GB तक। और यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है सेम टाइम में डुअल सिम कार्ड प्लस आपको माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ करने का मौका मिल जाता है वीवो Y71i में। ये तो बात रही इसके मेमोरी की। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। यहाँ पर आपको प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर दिया गया है। ये अच्छा खासा प्रोसेसर इसके प्राइस ब्रैकेट में। अब बात करते हैं आगे इसके बैटरी की। इसमें आपको बैटरी की एमएएच दी गई है 3360mAh की बैटरी दी गई है और अनफॉर्चुनेटली आपको फास्टिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा वीवो Y71i में। बात करते हैं OS की। इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आउटबॉक्स मिल जाएगा वीवो Y71i में। ये तो बात रही इसकी पूरी पूरी स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन आप देख सकते हो फ्रंट का। फ्रंट में आपको मिल जाता है 8:9 वाला फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, जो आपको वीवो बोलता है। साथ में आपको फ्रंट में आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, ईयरपीस मिल जाएगा और सेंसर्स मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम क्लीन लुक मिल जाता है वीवो Y71i में। अब बात करते हैं आगे बैक साइड की। बैक साइड में आपको मिल जाता है प्लास्टिक बॉडी का डिज़ाइन मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी का डिज़ाइन मिलता है। आप उम्मीद नहीं मत कीजिए, वीवो आपको 9,000 रुपीज़ का प्राइस बैक में आपको मेटल यूनिबॉडी दे देगा। यह वीवो से उम्मीद भी नहीं कर सकते। बात करते हैं आगे बैक साइड के डिज़ाइन की। बैक साइड में आपको रियर में सिंगल कैमरा मिल जाएगा, LED फ्लैश मिल जाएगा, वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अगर आप बैक साइड में देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गया होगा, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ना ही बैक साइड में फिंगरप्रिंट मिलता है, ना ही फ्रंट में फिंगरप्रिंट मिलता है। तो आप सोच सकते हो वीवो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है। और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है वीवो Y71i में, वो भी 9,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के बदले वीवो ने दे दिया है, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक दे दिया है। वो इतना सिक्योर नहीं हो, सॉफ्टवेयर बेसिस में चलता है वीवो का, वो उनके फ्रंट कैमरा से सिक्योरिटी अनलॉक रखते हैं, वो इतना सिक्योर नहीं रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। बात रही इसके डिज़ाइन के बारे में। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है वीवो Y71i को। इसकी प्राइस है 8,990 रुपीज़ तक की इंडिया मार्केट में। यह आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा, साथ ही में ऑनलाइन में मिल जाएगा। वीवो के स्मार्टफोन आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे मुझे लिंक मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीवो Y71i के बारे में। दोस्तों ये तो बात रही वीवो Y71i के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। क्या आपको वीवो Y71i को बाय करना चाहिए? 8,990 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में आपको कंसिडर करना चाहिए वीवो Y71i को। बात करो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की जो मुझे लगते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है इसके इंटरनल स्टोरेज और रैम में। इसमें आपको सिर्फ 2GB का रैम मिलता है और 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। 2018 में एटलीस्ट इन्हें तो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दे देना चाहिए था, क्योंकि ये 2018 है। हम 2GB रैम वाले स्मार्टफोन अभी के टाइम में यूज़ करेंगे तो सारे एप्लीकेशन इसमें हैंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप पहले से समझ लीजिए। 2GB रैम बहुत कम है 2018 के लिए, एटलीस्ट 3GB रैम तो चाहिए 2018 में हमें अच्छे से स्मार्टफोन को चलाने के लिए। बात करते हैं इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट। मुझे अगला नेगेटिव पॉइंट ये लगता है, इसमें आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, उसके बदले आपको फेस अनलॉक दे दिया गया। फेस अनलॉक आपको कुछ भी सिक्योर नहीं मिलता है, एटलीस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दे देते तो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा ज़्यादा हो जाता। ये मुझे दो पॉइंट मुझे अच्छे नहीं लगे वीवो Y71i में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीवो Y71i कैसे लगा, बता ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आपके थॉट ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो ज़रा सा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब करके दबाजिए, बेल आइकन को दबाजिए। इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।